नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबीला मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका जिला के जलालाबाद से आ रही है। जलालाबाद की गोविंद धाम गौशाला में पशु चारे को आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंच गई है। आग प्रातः 10:30 बजे के करीब लगी, जिसकी सूचना गौशाला प्रबंधकों द्वारा फायर ब्रिगेड को दी गई, जिस पर फाजिलका जलालाबाद तथा श्री मुक्सर साहब की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने यहाँ पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस आग से लगभग 200 ट्राली पशु चारा खराब हो गया है। इसके साथ ही यहां पर काफी नुकसान भी हुआ है। दिक्कत से यहां पर राहत कार्य में गौशाला कर्मचारी तथा फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जुटे हुए हैं। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। जलालाबाद की गोविंद धाम गौशाला में 800 मवेशियों के लिए 2000 ट्राली पशु चारा स्टोर किया गया था, जिसमें से आज 200 ट्राली पशु चारा इस आग में जलकर राख हो गया। इसके साथ ही यहां पर काफी नुकसान भी हुआ है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गौशाला के अंदर तूड़ी नूं अंदर स्टोर कर दे हर साल ही। पखा चल रहा है, पखे के कारण ही कोई स्पार्क अंदर गया। वो एकदम नहीं पता लगे, घंटे के बाद पता लगे जब थोड़ा जहाँ धुआं उठ गया। करीब 10 बजे की ये घटना हुई है। अब पूरे ग्राउंड के अंदर काफ़ी फैल चुकी है। करीब 1,000 ट्रॉली जी इस ग्राउंड के अंदर पूरी है। अभी टोटल गौशाला के 1,700 ट्रॉली पहुँच चुकी है। बाकी प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। 3 फायर ब्रिगेड आ चुकी ने, 2 अपना काम कर रही ने, 3 पहुँचने वाली है। और लोग भी आस पास सारे इलाका निवासी सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग मिल रहा है। बाकी परमात्मा दे दे कि जिनी जल्दी हो जाए, कंट्रोल हो जाए, और ज़्यादा नुकसान ना हो, पर काफ़ी सारी तूड़ियाँ नुकसान हो चुकी है। अचानक पूरा पता नहीं, अपन क्लियर तो नहीं कह सकते जी। बाकी अपना जो मामला है वो पूरा काम कर रहे हैं, थोड़े समय से अभी कंट्रोल।